आज हम स्टार्ट करेंगे विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमें दो टाइप के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ने हैं, SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। तो ये मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगी इन टू पार्ट्स। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू द मैकेनिज्म ऑफ दीज टू रिएक्शंस। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ दीज रिएक्शंस। प्लस आई एम ऑल्सो गोइंग टू समराइज the differences between SN1 and SN2 reaction in the next video only, right? So let's first start with the SN2 reaction organism. तो पहले तो यही समझ लेते हैं कि SN2 reaction का मतलब क्या होता है। देखो SN2, this means substitution nucleophilic bimolecular, एक ऐसी nucleophilic substitution reaction which is bimolecular in nature. अब bimolecular से क्या मतलब है? देखो बायोमोलिकुलर मतलब दो मॉलिक्यूल्स। यहां पे जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा दैट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन टू मॉलिक्यूल्स, इसीलिए ये है बायोमोलिकुलर। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन हमारा डिपेंड करेगा दो मॉलिक्यूल्स पे। ऐसा हम मान लेते हैं ये है ए और बी। तो मैं यहां पे कह सकती हूं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू टू। ठीक है, इसीलिए इसका नाम होता है SN2 रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिक्यूलर, राइट। अब देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूं इन द प्रीवियस वीडियो ओनली, राइट। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हमारा कोई भी न्यूक्लियोफाइल विच इज एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी अटैक करता है हमारे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे। सबस्ट्रेट हम यहां पे लेते हैं एल्काइल हैलाइड। इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होता है ये इस पे अटैक करेगा, यहां से लीविंग ग्रुप लीव कर जाता है इन द फॉर्म ऑफ हैलाइड आयन। तो यहां पे क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3OH प्लस Cl-, राइट। तो ये होती है हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन ये क्यों होती है, इसका ऑर्डर टू ही क्यों है, ये हम समझेंगे यूजिंग द मैकेनिज्म। ठीक है, तो मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। तो देखो जरा यहां पे ध्यान देना थोड़ा, हमारा यहां पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो है OH-, राइट। और ये जाके हमारा अटैक करेगा इस CH3Cl के मॉलिक्यूल पे, यानी कि मिथाइल फ्लोराइड पे इसने जाके अटैक करना है। तो देखो यहाँ पे जो कार्बन एटम है दिस इज गोइंग टू बी टेट्राहेड्रल इन नेचर, राइट। इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो टेट्राहेड्रल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टेट्राहेड्रल में हमेशा जो दो बॉन्ड होते हैं वो हमारे इन द प्लेन होते हैं, बाकी बचा हुआ एक बॉन्ड होता है अबव द प्लेन और जो लास्ट बॉन्ड होता है दैट इज बिलो द प्लेन, राइट। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, देखो कैसे बनाओगे तुम स्ट्रक्चर। जैसे तुम्हारा ये कार्बन एटम है, ठीक है, इसने चार बॉन्ड बना रखे हैं, तो एक बॉन्ड दिखाओ इन द प्लेन, एक और बॉन्ड दिखाओ इन द प्लेन। तो इन द प्लेन बॉन्ड के लिए हम ये सॉलिड लाइन्स यूज करते हैं। अब अगर तुम्हें एक बॉन्ड दिखाना है बिलो द प्लेन, उसके लिए तुम ये डैश बॉन्ड यूज करोगे हाइड्रोजन, और अगर तुम्हें एक बॉन्ड दिखाना है आउट ऑफ द प्लेन उसके लिए तुम ये वेज बॉन्ड यूज करोगे। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो अब होगा क्या, इस टेट्राहेड्रल कार्बन एटम पे हमारा न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करता है। क्यों, इसी पे क्यों अटैक कर रहा है, क्योंकि यहां पे इस पे होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये कार्बन एटम एक इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन के साथ अटैच्ड है। तो क्लोरीन पे आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे ही किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, राइट। तो देखो होगा क्या, ये OH- जाके इस कार्बन एटम पे अटैक करेगा। ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखना कि ये जब अटैक करने आएगा तो ये पीछे की साइड से अटैक करने आएगा। देखो इस साइड हमारा क्या प्रेजेंट है, इस साइड हमारा लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो जिस साइड हमारा लीविंग ग्रुप होता है उस साइड से OH- अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि देखो अगर ये इस साइड से आने लगा तो Cl जो है
वो अपने साइज की वजह से या उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसकी वजह से रिपल्शन देगा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना SN2 रिएक्शन में ऑलवेज देयर इज बैक साइड अटैक, पीछे की साइड से ही अटैक होगा, क्योंकि आगे की साइड से होगा तो इसको निकलने में भी प्रॉब्लम होगी और ये उसको आने भी नहीं देगा, ठीक है। रिपल्शन हो जाती है आगे वाली साइड से, इसीलिए पीछे वाली साइड से आता है। फ्रंट साइड अटैक प्रेफर नहीं होता इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, फाइन। तो देखो जैसे ही ये अटैक करने लगा, तो देखो जब ये अटैक करता है प्रोडक्ट बनने से पहले ये एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाते हैं, ठीक है। एक ट्रांजिशन हो रहा है यहाँ पे, क्या ट्रांजिशन हो रहा है, OH- धीरे धीरे कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में जा रहा है और ये CCl बॉन्ड यहां पे धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है, राइट। जैसे जैसे OH- कार्बन पे अटैक करने आएगा वैसे वैसे ये क्लोरीन यहां से कार्बन मॉलिक्यूल, कार्बन के इस पूरे मॉलिक्यूल को छोड़ के जाने लगेगा, राइट। तो ये आ रहा है और ये जा रहा है, O और C के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, C और Cl के बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, ठीक है। तो इस ट्रांजिशन को दिखाने के लिए हम एक ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन दिखाते हैं, तो मैं इसको डॉटेड लाइन से दिखाऊंगी क्योंकि CCl बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, अभी हुआ नहीं है पूरी तरह, ठीक है। ऐसे ही OH C बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, अभी हुआ नहीं है पूरी तरह, ठीक है। तो ये हो गया, बाकी के बॉन्ड्स एज इट इज दिखाओगे। हाइड्रोजन, दिस विल बी योर अगेन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस स्टेट को जो बीच में ये बनी है इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। अब देखो ट्रांजिशन स्टेट होती है ये बहुत बहुत ज्यादा अनस्टेबल स्टेट होती है, ऐसा नहीं है कि तुम इस ट्रांजिशन स्टेट को अपने रिएक्शन मिक्सचर से आइसोलेट कर लोगे, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, ठीक है। और ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना कि ट्रांजिशन स्टेट इज नॉट योर इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट नहीं है जैसे कि कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, वो अलग होता है, ठीक है। इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट में डिफरेंस होता है। इंटरमीडिएट्स मोस्टली हम सेपरेट कर सकते हैं रिएक्शन मिक्सचर से, आइसोलेट हो जाते हैं, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट्स नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहां पे देखो अब क्या होगा, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा था C और OH के बीच में और C और Cl के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, राइट। तो फाइनली ये चीज पूरी हो जाएगी और तुम्हें तुम्हारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, यानी कि C OH के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो गया तो क्या मिला तुम्हें, C OH, यहां पे हाइड्रोजन, इसको थोड़ा ऐसे दिखा देते हैं, सी ओ एच, ये हाइड्रोजन, ये तुम्हारे ऐसे ही रहेंगे, इसको यहां पे हाइड्रोजन और यहां पे एक और हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये बन गया तुम्हारा फिर से टेट्राहेड्रल और सी एल माइनस, अब तुम्हारा रिमूव हो चुका है तो यहां पे तुम दिखा दोगे सी एल माइनस, फाइन। तो देखो पहले तुम्हारा ऐसा कुछ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर था, जैसे ही OH- ने आके अटैक किया वैसे ही तुम्हारा ऐसा कुछ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अगर तुम केयरफुली ऑब्जर्व करो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो अलग है एज कंपेयर टू जो तुम्हारी प्रोडक्ट में कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। रिएक्टेंट में तुम्हारा जो लिविंग ग्रुप था वो इस साइड अटैच था, राइट, और प्रोडक्ट में तुम्हारा जो OH- अटैच है वो इस साइड को अटैच है, तो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे चेंज हो रही है जैसे ही तुम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड जा रहे हो। देखो ये बिल्कुल सेम ही है जैसे बहुत तेज हवा जब चल रही होती है इन स्ट्रॉन्ग विंड्स, तो तुम्हारा अम्ब्रेला टर्न्स अपसाइड डाउन, राइट। अम्ब्रेला वैसे ऐसे होता है, तो जैसे बहुत तेज हवा चलती है तो वो अपसाइड डाउन जाता है, ऊपर की साइड ऐसे खुल जाता है, राइट। तो वैसे ही सेम चीज यहां पे हो रही है। देखो तुम्हारा ऐसा था CH3 मॉलिक्यूल, ऐसा मानो कि ऐसा था तुम्हारा, ठीक है, ये CH3Cl मॉलिक्यूल, तो यहां से तुम्हारा जो OH- आया अटैक करने, तो जैसे ही ये अटैक करने आया वैसे ही तुम्हारा स्ट्रक्चर क्या हुआ, खुल गया पीछे की साइड, ठीक है। ऐसे था स्ट्रक्चर, ये अटैक करने आया तो वो खुल गया, ठीक है, सेम चीज।
तो तभी हमारी कॉन्फिगरेशन पहले ऐसे थी और अब हो गई ऐसे. सो देयर इज, वी से दैट देयर इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन व्हेन SN2 रिएक्शन टेक्स प्लेस. ठीक है, इसी को हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन. यहां पे क्या हो रहा है SN2 रिएक्शन में? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन. और इसी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन को हम कहते हैं वॉल्डन इन्वर्जन. इसका नाम दिया जाता है क्या? वॉल्डन इन्वर्जन. क्योंकि जो हमारी कॉन्फिगरेशन है, देखो ध्यान से, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है. ठीक है, इसीलिए यहां पे क्या हो रहा है? वॉल्डन इन्वर्जन. दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट. ऑल्दो मैं स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट में भी दोबारा ये चीज रिपीट करूंगी, वहां पे भी हमें ये चीज पढ़नी है. फाइन, सो दिस इज योर SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म. के होता कैसे है देखो, अब यहां पे तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि ये एक टू स्टेप रिएक्शन है. ठीक है, बट ये टू स्टेप रिएक्शन नहीं होती. यहां पे ये जो है पूरा, ये एक ही स्टेप है. ठीक है, ये सब कुछ एक ही स्टेप में हो रहा है. OH माइनस का यहां से आना और Cl का निकलना, ये एक ही स्टेप में हो रहा है. ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, दिस इज अ वन स्टेप रिएक्शन. ठीक है, एक ही स्टेप में हो रहा है ये, राइट. और इसीलिए हम इसको कहते हैं कंसर्टेड रिएक्शन या कंसर्टेड मैकेनिज्म, क्योंकि एक ही स्टेप में हो रहा है सब. ठीक है, ब्रेकिंग और मेकिंग ऑफ बॉन्ड, इसीलिए इसको कंसर्टेड मैकेनिज्म भी कहा जाता है. ऑलराइट, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. SN2 में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज टू, बट कितने स्टेप्स इन्वॉल्व है? सिर्फ एक ही स्टेप इन्वॉल्व है. ठीक है, और देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम टू क्यों कह रहे हैं, अब उस बात पे आ जाओ. हमने क्यों कहा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो टू है? यानी कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा दैट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन टू थिंग्स. ठीक है, और कौन कौन सी दो चीजें होंगी? वो होंगी हमारी न्यूक्लियोफाइल, ये जिस न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है, और हमारा एल्काइल हैलाइड. एल्काइल हैलाइड, तो इन दोनों ही चीजों पे डिपेंड करेगा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन. तो मैं यहां पे लिख भी देती हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन इन केस ऑफ SN2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, यहां पे हो जाएगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर न्यूक्लियोफाइल, जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, और साथ में जो हमारा एल्काइल हैलाइड है. ठीक है, तो ये वन और ये भी वन, तो दोनों की पावर में वन वन है, तो टोटल हमारा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है दैट इज इक्वल टू टू. फाइन, इसीलिए हम कहते हैं कि SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज टू. फाइन, क्योंकि वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल पे और हमारे एल्काइल हैलाइड. राइट, देखो जितना ज्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा उतनी ही अच्छा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा. ठीक है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा उतना ज्यादा हमारा अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन होगा. अब ये देखते हैं कि एल्काइल हैलाइड के ऊपर हमारी रिएक्टिविटी कैसे डिपेंड करेगी. ठीक है, देखो मैं यहां पे डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स बनाती हूं और फिर हम उसकी रिएक्टिविटी चेक करते हैं. तो सबसे पहले मैं यही वाला ले लेती हूँ, CH3Cl. तो यहाँ पे Cl मेंशन करने की बजाय मैं उसको X ही ले लेती हूँ. सो वी हैव CH3 and X. ठीक है, CH3X कोई हमारा एल्काइल हैलाइड है जिसपे हमारा कोई भी न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा. ठीक है, तो फर्स्ट मैंने ले लिया ये. अब मैं क्या करूंगी, यहां पे एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देती हूं विद द एल्काइल ग्रुप. ठीक है, ऐसा मानो कि मैंने यहां ले लिया CH3, तो मैंने इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया विद CH3 और बाकी सारी चीजें एज इट इज, हाइड्रोजन और यहां पे हाइड्रोजन. तो ये हो गया CH3X, ये हो गया CH3CH2X. राइट, तो ये तो है हमारा मिथाइल हैलाइड,
मिथाइल हेलाइड, ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज आर प्राइमरी एल्काइल हेलाइड, प्राइमरी एल्काइल हेलाइड। ठीक है, देखो अब जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आया इसको मिथाइल हेलाइड को, तब उसको उसके पाथ में क्या क्या मिले, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, राइट। तो हाइड्रोजन ही थे जो इसको बीच में रोक सकते थे अटैक के लिए, बाकी जब ये इसको अटैक करने आया, देखो अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा इस पे अटैक करने, तब उसको और ज्यादा भीड़ मिलेगी रास्ते में, यहाँ पे CH3 पूरा प्रेजेंट है, तो CH3 जो है इस इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को थोड़ा सा रिपल्शन ऑफर करेगा, राइट। यहाँ पे और ज्यादा भीड़ हो चुकी है। अब ऐसे ही अगर मैं एक और CH3 को ऐड कर दूं, देखो इस हाइड्रोजन को भी अगर मैं CH3 से सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो क्या हो जाएगा, CH3 ऑलरेडी है यहां पे भी, अब मैं क्या लगा रही हूं, CH3 यहां पे हाइड्रोजन X। तो अब अगर इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आएगा तो उसको और ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है अटैक के लिए, क्योंकि अब दो दो CH3 ग्रुप्स प्रेजेंट हैं जो भीड़ लगा के यहां पे बैठे हैं और न्यूक्लियोफाइल को इजीली एंटर नहीं करने देंगे। ठीक है, ऐसे ही लास्टली अगर मैं इस लास्ट बचे हुए हाइड्रोजन को भी सब्स्टिट्यूट कर दूं विद CH3, तो देखो रिएक्शन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा, इसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी है अब। ठीक है, तो अगर इतनी ज्यादा भीड़ है तो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा यहाँ पे रिपल्शन हो जाती है, इस वजह से अटैक और मुश्किल हो जाता है। तो कैन आई से दैट एज वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे हम मिथाइल हैलाइड से प्राइमरी एल्काइल हैलाइड टू टर्शरी एंड देन टू सेकेंडरी एंड देन फाइनली टू टर्शरी एल्काइल हैलाइड मूव कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारी रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इजीली एंटर ही नहीं कर पा रहा, राइट। इनिशियली जो हमने इस वाले मॉलिक्यूल में देखा था वहां पे न्यूक्लियोफाइल इजीली घुस सकता है बीच में जाके, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना थोड़ा मुश्किल होता जाएगा, इसलिए वी कैन से दैट रिएक्टिविटी डिक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, क्या कहेंगे हम, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस इज इंक्रीजिंग, बड़े बड़े ग्रुप हमारे लगे जा रहे हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रही है, इसीलिए रिएक्टिविटी हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ठीक है, सो दिस इज हाउ योर रेट ऑफ रिएक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एल्काइल हैलाइड। तो टर्शरी वाला एल्काइल हैलाइड तो लीस्ट हमारा रिएक्ट करेगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, देखो प्राइमरी और मिथाइल हैलाइड बहुत खुश है रिएक्शन के लिए, ठीक है, लेकिन सेकेंडरी टर्शरी क्या होंगे, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, फाइन। तो मैं एक क्वेश्चन बता देती हूँ जो इस टॉपिक से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन इज दैट वाई ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म्ड ड्यूरिंग द SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म इज नॉट स्टेबल। देखो ट्रांजिशन स्टेट जो फॉर्म होता है इट इज नॉट कंसिडर्ड एज स्टेबल, क्योंकि ध्यान से जरा देखो, ये मैंने ट्रांजिशन स्टेट बनाया था जब हमने मैकेनिज्म किया, ठीक है, इसको ही देखना बस, बाकी सारा ये हमने कर लिया है। तो इसको देखो, ये हमने ट्रांजिशन स्टेट बनाया था ड्यूरिंग द मैकेनिज्म, तो इसको हमने क्यों अनस्टेबल बोला, इसीलिए अनस्टेबल बोला क्योंकि कार्बन एटम ने यहाँ पे 5 बॉन्ड बना रखे हैं। देखो कार्बन एटम की वैलेंसी होती है 4, राइट, तो वो 4 ही बॉन्ड बना सकता है, पर यहाँ पे इसने 5 बॉन्ड बना रखे हैं, हाइड्रोजन 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 और ये OH और Cl के साथ, ठीक है। ऑल्दो ये कंप्लीट बॉन्ड्स नहीं है बट उसकी वैलेंसी तो 5 हो गई, राइट। ट्रांजिशन स्टेट में वो 5 बॉन्ड्स बना के बैठा है, सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी 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 अनस्टेबल, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। तो जैसे कि हमने अभी देखा SN2 का मतलब था
सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर, वैसे ही SN1 का मतलब होगा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, ठीक है। यहाँ पे SN2 में जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन था वो डिपेंड कर रहा था दो मॉलिक्यूल्स पे, राइट, न्यूक्लियोफाइल पे और एल्काइल हैलाइड पे। तो इसीलिए हमने वहां पे कहा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज गोइंग टू बी 2, क्योंकि वो था बायोमोलिकुलर। वैसे ही SN1 में क्योंकि ये यूनिमोलिकुलर है तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 1, राइट। और देखो ये तो हो गई ऑर्डर की बात। अब हमने SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में देखा कि कितने स्टेप्स इन्वॉल्व थे वहां पे, सिर्फ एक ही स्टेप इन्वॉल्व था मैकेनिज्म में, ठीक है। वेयर एज इन SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म हम अभी देखेंगे कि यहाँ पे दो स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे हमारे, तो बस उल्टा है, ठीक है, ऑर्डर का उल्टा हो जाएगा जितने हमारे स्टेप्स हैं। तो ये तो हो गए दो मेन डिफरेंसेस। अब एक और डिफरेंस होता है यहाँ पे रिएक्टिविटी का। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर हमने देखा SN2 में क्या था, हमने पहले लिया मिथाइल हैलाइड, उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, राइट, ये हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर था इन SN2। तो यहाँ पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस चाहिए होती है तब ज्यादा अच्छा रिएक्शन होगा। लेकिन अभी हम देखेंगे कि SN1 रिएक्शन में बिल्कुल उल्टा ऑर्डर होगा, यानी कि यहाँ पे 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड देन फाइनली योर मिथाइल हैलाइड, ठीक है। देखो ये तो बस थोड़े से डिफरेंसेस हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं और ज्यादा डिफरेंसेस दूंगी इन दोनों रिएक्शंस के बीच, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद द मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूं ऑफ टर्शरी एल्काइल हैलाइड CH3, 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 CL, ठीक है। ऐसा मानो इसका मैंने रिएक्शन करवाया विद अ न्यूक्लियोफाइल OH-, तो होगा क्या, अगेन सेम थिंग, OH- इसकी जगह आके बैठ जाएगा और हमें ये मिल जाएगा फाइनल प्रोडक्ट CH3, CH3 plus Cl-, ठीक है। तो होगा कैसे ये रिएक्शन, देखो यहाँ पे दो स्टेप इन्वॉल्व होंगे हमारे पूरे मैकेनिज्म में, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है वो देखते हैं, मैकेनिज्म। तो फर्स्ट स्टेप हमारा यहां पे होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। अब तुम्हें ये चीज ऑलरेडी पता होगी कि जो हमारा स्लोएस्ट स्टेप होता है वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, राइट, ये मैंने पहले भी समझाई हुई है चीज। तो जो हमारा स्लोएस्ट स्टेप होगा वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो यहां पे तुम देखोगे कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, दिस इज आर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्यों ये RDS क्यों है, क्योंकि दिस इज आर स्लो स्टेप, ठीक है। तो चलो करके देखते हैं क्या होगा। हमने इनिशियली क्या ले रखा है, एल्काइल हैलाइड CH3, CH3, CH3 and Cl, ठीक है। तो ये हमारा एल्काइल हैलाइड है। अब होगा क्या, यहां पे एक कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होगी। कैसे होगी कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन, बाय ब्रेकिंग ऑफ दिस CCl बॉन्ड, ठीक है। यहां पे CCl बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है इन द प्रेजेंस ऑफ अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। कोई हमने लिया होगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर ले सकते हो तुम, या फिर अल्कोहल ले सकते हो तुम, ठीक है। जो भी तुम्हारा एक पोलर सॉल्वेंट हो जो प्रोटॉन्स देता हो सॉल्यूशन में, ठीक है, पोलर होना चाहिए और प्रोटॉन्स देने चाहिए उसको, तो उसी को हम क्या कहेंगे, एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो यहां पे वाटर ले सकते हो या फिर अल्कोहल ले सकते हो, फाइन। तो क्यों हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स ले रहे हैं यहां पे, इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं वो हमारे हेल्प करते हैं इन द ब्रेकिंग ऑफ दिस CCl बॉन्ड, ठीक है, वो हमारे हेल्प करेंगे इन ब्रेकिंग ऑफ दिस CCl बॉन्ड,
यही तो हमें करना है यहाँ पे, ठीक है। और देखो जैसे ही हमारा ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, CH3, CH3, CH3। यहाँ पे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेके क्लोरीन चला गया, यहाँ पे फॉर्म हो गया Cl- और इस कार्बन पे आ गया एक पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो ये हमारा एक 3 डिग्री कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हो गई है यहाँ। और देखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, इस Cl- को स्टेबिलाइजेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, सॉल्वेशन के थ्रू। तो क्योंकि ये प्रोटॉन्स दे रहा है, राइट, तो प्रोटॉन्स इसके साथ इंटरैक्ट करेंगे और इस Cl- को क्या प्रोवाइड करते हैं, स्टेबिलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करने से ज्यादा फायदा है, ठीक है। क्योंकि एक, पहली बात, वो CCl बॉन्ड की क्लीवेज में हेल्प कर रहा है, दूसरी बात वो Cl- जो फॉर्म हो रहा है उसको सॉल्वेशन के थ्रू स्टेबिलाइजेशन भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, दिस इज अ स्लो स्टेप, इसीलिए हम कहेंगे ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ही हम देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा। तो यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट है हमारा, राइट, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या बन जाएगा यहां से, दिस इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस मॉलिक्यूल, दिस इज योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। तो इस पे डिपेंड करेगा कि तुम्हारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो क्या होगा यहां पे, एल्काइल हैलाइड पे ही डिपेंड कर रहा है, सो ओनली वन मॉलिक्यूल, यूनिमोलिकुलर है ये, तो इसीलिए हम कह देंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज गोइंग टू बी इक्वल टू वन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया हमारे यहां पे, इक्वल टू वन, फाइन। अब देखते हैं हमारा सेकेंड स्टेप क्या होगा, सेकेंड स्टेप में हम करवाएंगे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये चीज तो हमारी हो गई, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन हो गया, अब हम क्या करवाएंगे, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो ऐसा मानो कि मैंने ये लिया है यहां C+ CH3 CH3 CH3, फाइन। इसके पास आया न्यूक्लियोफाइल OH-, ये यहां पे अटैक करेगा और क्या बन जाएगा तुम्हारा, देखो ये बहुत फास्ट स्टेप है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, दिस इज योर फास्ट स्टेप। क्यों है ये फास्ट, क्योंकि ऑलरेडी ये आयंस की फॉर्म में है, ठीक है। एक तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है जो इलेक्ट्रॉन रिच है, इसको तो चाहिए कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर ऑलरेडी यहां पे बैठा हुआ है, तो ये फटाफट से इसके ऊपर जाके अटैक कर देता है, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी फास्ट स्टेप, तो यहां पे इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी और तुम्हें मिल जाएगा फाइनली ये 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, ये 3 डिग्री अल्कोहल तुम्हें मिल जाएगा। सो दिस इज अ 2-स्टेप रिएक्शन, SN2 जो था वो 1-स्टेप रिएक्शन था, SN1 जो है वो 2-स्टेप रिएक्शन है। SN2 में हमारा कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता, वहां पे क्या फॉर्म हो रहा था, वहां पे एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो रही थी, ठीक है। वेयर एज इन SN1 हमारा एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, देखो यहाँ पे कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है, कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। तो कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन किस में है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में है, फाइन। तो जितना ज्यादा स्टेबल हमारा कार्बोकेटायन बन रहा होगा उतनी ही ज्यादा हमारी रेट ऑफ रिएक्शन होगी, है कि नहीं। यहाँ पे जितना ज्यादा हमारा स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो रही होगी उतना ही ज्यादा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, क्योंकि इसी वाले स्टेप को तो हम कह रहे हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, राइट। तो देखो जरा, हाँ, अगर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखना चाहूं ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, ये हमने पहले ही देख लिया कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, एल्काइल हैलाइड पे, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो अगर मैंने लिया मिथाइल हैलाइड,
फिर मैंने लिया प्राइमरी, प्राइमरी हम ले लेंगे सी सी एच थ्री, यहां पे एक्स, फिर यहां एच और यहां एच, ठीक है। ये हो गया प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। फिर हम बनाएंगे सेकेंडरी सी एच थ्री सी एच थ्री हाइड्रोजन एक्स, फिर हम बनाएंगे टर्शरी एल्काइल हैलाइड सी एच थ्री सी एच थ्री, ठीक है। तो ये हो गए हमारे मिथाइल प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्काइल हैलाइड। तो यहां पे जितना ज्यादा स्टेबल हमारा इंटरमीडिएट स्पीशी बनेगी उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है। तो ऐसा मानो कि सबसे हमारा x x x यहां से निकल चुका है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा वाला फॉर्म करेगा, टर्शरी वाला ऑब्वियसली, राइट। देखो अगर यहां हमारा कार्बोकेटायन बनता है, यहां कार्बोकेटायन बना, यहां कार्बोकेटायन बना, यहां बना और यहां बना, तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ही डिटरमाइन करेगी कि कितना ज्यादा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो हमें ये ऑलरेडी पता है कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे इस कार्बन एटम से अटैच्ड, उतना ही ज्यादा स्टेबल बनेगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, राइट। पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा स्टेबल होगा जितने ज्यादा उससे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अटैच्ड होंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, विच इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, विच इज मोर स्टेबल देन मिथाइल कार्बोकेटायन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर SN1 रिएक्शन, ठीक है। तो यहां कार्बोकेटायन लिखे हैं मैंने, तो इसको दोबारा एक्स कर लेना, एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी है ये। मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रही हूं, जितने ज्यादा स्टेबल तुम्हारा कार्बोकेटायन होगा उतना ही ज्यादा तेज तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर या एल्काइल हैलाइड्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर ये बनता है, फाइन। तो ये हो गया हमारा SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। देखो जिस भी केस में एक स्टेबल कार्बोकेटायन बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, उस हर केस में हमारा SN1 रिएक्शन का रेट बहुत ज्यादा फास्ट होगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं ऑफ एलाइलिक हैलाइड्स एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स। तो पहले एलाइलिक हैलाइड्स की बात करते हैं। ऐसा मानो कि तुम्हारे पास ये एलाइलिक हैलाइड है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पूछें कि SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म का रेट फास्टर होगा या SN2 का, तो आंसर होगा SN1, क्योंकि SN1 में जो हमारा यहाँ कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होगा दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्टेबल। क्यों होगा स्टेबल करके देख लो, चाहे यहाँ पे जब कार्बोकेटायन बनेगा, ये Cl- को निकालो, तो जो कार्बोकेटायन बना CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2+, ये कार्बोकेटायन जो बना दिस इज वेरी वेरी स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। यहाँ पे ये बॉन्ड इस साइड डीलोकलाइज हो जाएगा और इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस इन इट द कार्बोकेटायन इज वेरी वेरी स्टेबल, दस द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन वुड बी मच फास्टर इन कंपेरिजन टू SN2, ठीक है। तो यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा CH2+ सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। सेम तुम दिखा सकते हो इन केस ऑफ बेंजाइलिक हैलाइड एज वेल। तो बेंजाइलिक हैलाइड भी बहुत ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनाते हैं, इसीलिए इनका SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म जो होता है दैट इज वेरी फास्ट। तो यहां पे मैं बनाती हूं बेंजाइलिक हैलाइड CH2Cl, ठीक है। तो ये निकालो Cl- क्या बनेगा, यहां ये बन जाएगा हमारा CH2+। तो यहां पे तुम कितने ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखा सकते हो बेंजीन को यूज करके, राइट। ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा,
इस कार्बन एटम पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो देखो क्या बना, यहां पे बन जाएगा डबल बॉन्ड सी एच टू, और नया पॉजिटिव चार्ज कहां आ जाएगा, क्योंकि हमारे इस कार्बन एटम ने दिया है तो इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब बाकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तुम बना ही सकते हो, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा तो नया पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहां पे, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा। यहां आ गया नया बॉन्ड, यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये एज इट इज सी एच टू। इसका फर्दर तुम दिखा सकते हो, ये यहां शिफ्ट होगा, ठीक है। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी दिखा दो, क्या बन जाएगा, ये आगे बन जाएगा इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो यहां आ गया पॉजिटिव, यहां आ गया एक नया बॉन्ड, यहां पे ये बॉन्ड है ही डबल बॉन्ड सी एच टू, और फाइनली हमारी एरोमेटाइजेशन हो जाएगी और फिर से सी एच टू पे हमारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन शो द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ अ बेंजाइलिक हैलाइड एंड एन एलाइलिक हैलाइड। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बेंजाइलिक और एलाइलिक हैलाइड इतने फास्ट SN1 रिएक्शंस क्यों दिखाते हैं, ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ देयर फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन्स, ठीक है। जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल है, दे आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, इसीलिए रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज फास्ट, ठीक है। Okay guys, do let me know in the comment section below if you also want me to make a video on carbocation rearrangement. Thanks for watching. Have a very good day.